झांसी की मऊरानीपुर तहसील के ग्राम अक्सेव में किसान चौपाल आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अनुराग शर्मा रहे। उक्त दौरान सांसद एवं जिलाधिकारी आनंदा बामसी ने गौशाला व पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्रम सहायता समूहों ने अपने निर्मित प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई, जिनका निरीक्षण किया। सांसद ने समूहों से उनकी समस्याएं जानी एवं निस्तारण का आश्वासन दिया। कुछ किसानों ने किसान चौपाल के बारे में जानकारी की गई, तो किसानों का कहना था कि मुझे इस चौपाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही हम लोगों को बताया गया है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए, किसान अपनी समस्याओं को लेकर घूमते हुए बाहर दिखाई दिए। वह किसान की नाराजगी चेहरों पर मायूसी छाई हुई घर वापस लौटते हुए नजर आए। उक्त अवसर पर ग्रामीणों ने सड़क, आवास, शौचालय, फसल विवेचना व भारी मात्रा में अधिक प्रार्थना पत्र पुलिस प्रशासन की अधिक शिकायतें आने पर नाराजगी दिखाई। संबंधित अनेक समस्याएं उक्त समस्याओं को सुनकर जिला अधिकारी ने अधीनस्थों को उक्त समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए हैं। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए झांसी से संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम दादा आपका? किस गांव से हैं आप? ककवारा। जी, बैलगाड़ी लेके आप आए हैं, किसने बताया था आपको? प्रधान जी, क्या कहा था आपसे? आज क्या कार्यक्रम है आपको पता है कुछ? डीएम साहब आ रहे हैं, तो कोई कार्यक्रम में जानकारी नहीं है आपको? कोई जानकारी नहीं है? अलग अलग समय अलग गंभीर समस्या है। एक मिनट, आप पत्रकार हैं? और कुछ सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर ग्रामीणों में अन्ना प्रथा की, अन्ना जानवरों की, उस पे देखिए सरकार बड़े बड़े बातें कर रही है। नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही है, लोगों को आगे आना पड़ेगा। गौ माता की रक्षा करना इस पूरे हर एक देशवासी का कर्तव्य है। आज योगी जी ने इतनी बड़ी जब हमको स्कीम दे रखी है, मेरे को बुरा लगता है कि मौरानीपुर के बहुत सारे लोगों ने उस स्कीम को नहीं रखा। 30 रुपये प्रतिदिन प्रति गाय मिलती है आपको, महीने के 900 रुपये मिल सकते हैं प्रति गाय के, अगर गौ माता को आप घर लेके जाएंगे उसके चारे को। उसके अलावा गौ माता का आपको चारा मिलेगा, आपको दूध मिलेगा, आपके वहाँ गोबर है, आप उससे मैन्योर बना सकते हैं, आप जीविक खाद बनाएंगे। तो ये इतनी अच्छी स्कीम, हम ललितपुर गए सर, लेकिन किसी को पैसा नहीं दिया गया अभी तक। बात सुन लेंगे आप जी, बात सुन लीजिए। आपने कह दिया तो भैया नहीं हो जाता ना वो सत्य। मैं सत्य देख के आ रहा हूँ, मैं खुद गाय माताओं को वहाँ पे लोगों को कल्याणपुरा में दान में दे के आया, उन लोग मेरे सामने लेके गए। उसके बाद मैंने उनसे पूछा है कि आपके पास पैसे आए, उनके खाते में DBT के पैसे आते हैं। आप मुझको एक ऐसा किस्सा बता दीजिए जिसने गौ माता ऐसे ली हो और उसके खाते में पैसे नहीं आए। ग्राम बमोरी सर, वहाँ पे गौशाला बनाई गई है, लेकिन प्रधान के द्वारा बार बार बताया जाता है कि गौशाला के लिए पैसा ही नहीं आ रहा है गौशाला के लिए। वो प्रधान का कहना है, आप उसके आंकड़े मंगवा के चेक करा लीजिए, प्रधान जी को फिर एक्सप्लेनेशन देगा। अभी सारे प्रधानों के पास 15वें वित्त का पैसा 15 दिन पहले ही आया। और आगे चौपाल लगेगी क्या सर? ऐसी चौपाल लगाई जाएंगी आगे चल के? भैया मैंने सबसे पहले आते वही बोला था कि मैं चौपाल लगाता ही रहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। किसानों की चौपाल रखी गई है सर, इसमें सर क्या रहा किसानों का सर? किसानों की चौपाल मौरानीपुर में 8-10 गाँव की चौपाल है, जहाँ पर समस्त ग्रामवासी अपना जो भी समस्या है यहाँ पर बता सकते हैं। वहाँ सांसद जी की अध्यक्षता में मिली, मुख्य रूप से आवास की शिकायत प्राप्त हुई, शौचालय की शिकायत प्राप्त हुई, सड़क की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, किसान की फसल शिकायत भी प्राप्त हुई, और कुछ हमारे पुलिस विभाग से संबंधित विवेचना के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई। साथ साथ में यहाँ गाँव में कुछ मांगे भी सारी त्वरित रूप में एक पाक्षिक समय के अंतर्गत प्रसार करने के लिए।